हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ने वाले घटने वाले कंपनी का फ्यूचर क्या है, और इसका जो हर का रिजल्ट आया था फ्यूचर रिजल्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का जो रिजल्ट आया था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कंपनी के मुनाफा भी लगभग 42% तक बढ़ा है। जियो को 3615 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले साल के मुकाबले 9.2% बढ़ा है। आय में भी कंपनी का इजाफा हुआ है। और इस पर दोस्तों, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हैं उनका कहना है कि हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए। कंपनी का जो फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, और कंपनी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से अलग अलग सेक्टरों में विकास करने वाली है, जिससे इस कंपनी का शेयर प्राइस जो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। दोस्तों, इस कंपनी का शेयर हमें इसलिए भी खरीदना चाहिए क्योंकि इसका जो तेल, रिटेल, टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी का 72% रहा है, और जियो का मुनाफा 8.9% बढ़ा है, जो कि धीरे धीरे आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ने वाला है। और दोस्तों, हाल फिलहाल रिलायंस ने न्यूयॉर्क में एक लग्जरी होटल भी खरीदा है। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।